वो कोई वही वीडियो डाल दे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईटेल कीपैड मोबाइल में आप किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट में जोड़ चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, या कोई बच्चा गलती से ऐड कर दिया है और उस नंबर को आप हटाना चाहते हैं, फिर कैसे हटाएंगे इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम सेटिंग में डूब लेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग डूब लेंगे, यहाँ देख सकते हैं सेटिंग, इस पर हम आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देंगे फिर ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद से ब्लैक लिस्ट से नंबर निकालने के लिए थोड़ा हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कॉल सेटिंग दिख रहा है, तो कॉल सेटिंग वाले पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा हम नीचे आ जाएंगे और आने के बाद से यहाँ से देख सकते हैं सात नंबर पर लिखा है ब्लैक लिस्ट, तो ब्लैक लिस्ट वाले पे यहाँ देख सकते हैं सात नंबर पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो जो जितने भी आप नंबर ब्लैक लिस्ट में ऐड किए होंगे, जोड़े होंगे, तो यहाँ पे सब शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ब्लैक लिस्ट में एक नंबर शो कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कोने में, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ से तीन नंबर पर देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो डिलीट वाले पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं ओके का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट से नंबर हट गया है। इस तरह से आईटेल कीपैड मोबाइल में किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट में ऐड हो चुका है गलती से, तो उसको हटाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप हटा सकते हैं आईटेल कीपैड मोबाइल में। इस तरह से बड़ी आसानी से आप किसी का नंबर ब्लैक लिस्ट से हटा सकते हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।